सबसे इम्प्रेसिव तो वाल्मीकि रामायण ही का सारा सारे पात्र जो है वाल्मीकि रामायण के इतने श्रेष्ठ रूप से रचे गए हैं कि किसी से उसकी तुलना नहीं हो सकती थोड़ी हंसी भी आती है पूरे सिनारियों को देखते हुए क्योंकि सत्य तो यह है कि राम की सार्थकता तभी है जब वो हमारे दिल में हो भाई रामनवमी के दिन क्यों नहीं किया जा रहा है रामनवमी राम के जन्म का दिन है उसको छोड़ के 22 तारीख करने के पीछे जो मकसद है वो लोगों को दिखने लगा है फिर जब मंदिर पूरा नहीं बना है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता और दूसरी बात मुझे तो प्राण प्रतिष्ठा में भी वो, वो शब्द में भी तकलीफ होती है सब बड़े संकोच से उनका मंत्री बताता है कि आपके बारे में ये अपवाद लोग करते हैं कि राम ने सीता का आ, सीता को अपना लिया जो रावण के घर में रह चुकी थी। उन्हें कैसे अच्छा लगता होगा सीता के साथ क्योंकि से परंपरा में उसे हम मान रहे हैं और मजे की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में इसे नल सेतु का है राम सेतु का कहीं उल्लेख नहीं अच्छा क्योंकि नल ने बनाया था रामचरित मानस में नल और नील है तो जब देश और दुनिया में चारों तरफ राम की महिमा से ही सब कुछ होना है और फिलहाल हिंदुस्तान में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होने जा रहा है तो ऐसे समय में राम के हर एस्पेक्ट को जानने के लिए हम सभी काफी उत्सुक हैं तो पंडितों की बात हो गई पुरोहितों की बात हो गई आचार्यों की बात हो गई इन सभी बातों के बीच एक बात यह भी आती है कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रामायण को एज स्कॉलर जाना है और पढ़ा है तो इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही डॉक्टर शोभा निगम जी हैं जिन्होंने लंबे समय तक हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले रामायण को पढ़े जाने वाले रामायण की डीप स्टडी की है और खुद उन्होंने इस पर एक ग्रंथ लिखा है क्या है ये ग्रंथ क्यों आखिर ऐसा उनको लगा कि रामायण को इतना डीप पढ़ना चाहिए और क्यों हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में रामायण अलग अलग तरीके से जाना जाता है तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर शोभा निगम जी का मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आपने बहुत डीप स्टडी की है आपने कई किताबें भी लिखी हैं इस पर तो क्या है उन किताबों के पीछे की वजह की जो आपको लिखना पड़ा उसका उसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्योंकि वो काफी लंबे समय तक बेस्ट सेलर भी रही है तो थोड़ा सा हम आपकी किताब के बारे में पहले जानना चाहेंगे जी मेरी किताब का नाम है वाल्मीकि कथा जिसमें मैंने मूल रूप से वाल्मीकि की जो रामायण है उसको लेते हुए अन्य रामायणों के पात्रों से वाल्मीकि के पात्रों का तुलनात्मक तो अध्ययन किया है इसके लिए मुझे संस्कृति विभाग भारत सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से सीनियर फेलोशिप भी मिली थी और आ, इस इस किताब को लिखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रायः लोग वाल्मीकि रामायण को नहीं जानते हम जितने भारतीय हैं खासकर उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के वो मुख्य रूप से रामचरित मानस तुलसी की रामचरित मानस को ही रामायण मानकर उसमें जो लिखा है उसे ही फाइनल सत्य मानकर जो कुछ वहाँ है उसे उसी के आधार पर चरित्रों का गठन करते हैं अपने मन में उनकी कल्पना करते हैं और उसी रूप में उसको पूछते हैं पर अन्य रामायणों से वाल्मीकि रामायण के पात्रों में चाहे राम हो सीता हो लक्ष्मण हो भरत हो काफी अंतर है मैम ये जब आपने ये पूरा रिसर्च वर्क किया तो वो एक अलग समय था आज का समय जो है वो अलग है सारे पात्रों की स्थितियां जो है वो हर क्षेत्र में अलग अलग बताई गई हैं चाहे वो दक्षिण के रामायण हो चाहे हम मध्य भारत में रहते हैं यहाँ का रामायण हो चाहे वो मेघालय साइड का रामायण हो तो क्या ऐसी वजह देखते हैं और आप कौन से राम राम कथा में का चित्रण जो है है वो आपको बहुत लगता है? सबसे इम्प्रेसिव तो वाल्मीकि रामायण ही का सारा सारे पात्र जो है वाल्मीकि रामायण के इतने श्रेष्ठ रूप से रचे गए हैं कि किसी से उसकी तुलना नहीं हो सकती सूर्य को दीपक दिखाने के समान मुझे लगता है बाकी रामायणों ने किया है कालिदास जो इतने बड़े कवि थे वो कहते थे कि जब मैंने रघुवंश लिखा तो मेरी स्थिति उस बौने मनुष्य के समान थी जो कि किसी ऊंचे फल को प्राप्त करना चाहता है वाल्मीकि रामायण इतनी इतनी ऊंची रचना है और मैं इतना बौना हूँ तो मुझे लगता है मैं कहीं हंसी का पात्र तो नहीं हो जाऊँगा तो इतना ज्यादा वाल्मीकि रामायण का प्रभाव रहा है पूरे देश में पर कुछ कारणों से मुझे समझ में नहीं आता क्यों वाल्मीकि रामायण लोगों के बीच उतनी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई ये संस्कृत के कारण है संस्कृत हम समझ नहीं पाते और रामचरित मानस इतने सुंदर गेय पदों में रही कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसे याद कर लेता है और आज भी भारत में कई ऐसे अनपढ़ व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको पूरी रामायण पूरी रामचरितमानस याद होगी तो यही पर अगला प्रश्न मेरा आपसे यही हो, होता है कि जब हम पूरे हिंदुस्तान में लोगों के रामायण के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आज भगवान राम के लिए राम में पूरा देश हो चुका है विदेशों में भी भगवान राम की चर्चा चल रही है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की तैयारी चल रही है इस पूरे सिनारियो को आप कैसे देखते हैं मुझे थोड़ी हंसी भी आती है पूरे सिनारियो को देखते हुए क्योंकि सत्य तो यह है कि राम की सार्थकता तभी है जब वो हमारे दिल में हो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे या या आपके किसी के भी दिल से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता अगर हम वहाँ अपने दिल में हो चाहे आपके दिल में हो चाहे किसी के दिल में हो राम को नहीं देख पाते हैं तो अयोध्या में उनका दर्शन करने का कोई लाभ नहीं है दूसरी बात यह है कि चीज अच्छी है मुझे भी बहुत पहले बहुत वर्षों पहले मैं अयोध्या गई थी तब दुख लगा था कि रामवेला कैंट में विराजमान है और अयोध्या बहुत गंदी नगरी थी आसपास बहुत गंदगी थी साफ बिल्कुल नहीं था तो मेरे मन में उस समय आया था कि क्यों इतना बड़ा राम का जन्म स्थल है और ये क्यों इतना उपेक्षित है इसको जरूर अच्छा बनाना चाहिए ये क्या हमारे तीर्थ स्थल है पर आज जब वो इतने बड़े भव्य रूप में परिवर्तित किया जा रहा है लाखों करोड़ों दिए जलाए जा रहे हैं वहां लगातार और अकल्पनीय रूप से जब तक हम उसे देखेंगे नहीं तब तक हम उसकी मेरा ख्याल है, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो किस रूप में वहां पे आकार ले रहा है। पर उससे भी मुझे पीड़ा कारण ये है कि हमारे देश में जो स्थिति है उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे हो चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे महिलाएं हो इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति है हमारे देश में और हमारे यहाँ इतनी ज्यादा गरीबी है लोगों के घरों को देखो चाहे किसी को देखो तो लगता है कि भगवान के मंदिर के लिए इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना कहाँ तक उचित है जरूर उसे स्वच्छ बनाना चाहिए सुंदर भी बनाना चाहिए पर उसके लिए जो पंप एंड शो हो रहा है उससे मुझे कुछ पीड़ा होती है तो बिल्कुल पंप एंड शो से पीड़ा होती है लेकिन फिर एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ आता है कि जिस तरीके से देश के धर्माचार्य जो लोग हैं धर्माचार्य चाहे वो शंकराचार्य की बात कर लें चारों या चाहे प्रदेश में या विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग आचार्यों के महर्षियों की बात कर लें तो ये तमाम जो अभी साधु संन्यासी हैं वो भी कुछ अलग तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है आपने रामायण में भक्ति से हटकर शोध किया है ये भी एक तरह की भक्ति है कि आप उस पर शोध कर रहे हैं पर सिर्फ एक पंडित वाला जो नजरिया होता है आपने उससे शोध नहीं किया है आपने उसको एक बतौर विद्यार्थी शोध किया है तो क्या लगता है कहाँ तक सही है इस तरह के का विरोध और क्या इस विरोध से हमको समझने की जरूरत है कि भगवान के लिए भी मुहूर्त और सारी चीजों को महत्व उतना ही देना चाहिए ये बाईस तारीख का जो इनोग्रेशन है इसमें इसको आप कैसे देखिये चारों शंकराचार्य ने तो कहा है और लोगों के मन में भी वो बात बैठती है कि भाई रामनवमी के दिन क्यों नहीं किया जा रहा है रामनवमी राम के जन्म का दिन है उसको छोड़ के बाईस तारीख करने के पीछे जो मकसद है वो लोगों को दिखने लगा है फिर जब मंदिर पूरा नहीं बना है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता और दूसरी बात मुझे तो प्राण प्रतिष्ठा में भी वो शब्द में भी तकलीफ होती है क्योंकि भगवान के प्राण को प्रतिष्ठित करना ना भगवान तो हर पत्ते में हर फूल में हर कण में हर नदी में हर पर्वत में हमारे यहाँ तो इसीलिए हर एक को पूजा गया है तो, तो हर ओर विराजमान है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए ये कुछ मतलब मुझे हास्यास्पद लगता है प्राण तो है ही ना हर चीज में प्राण है तो फिर उसके लिए अलग से इतना शो करने की क्या जरूरत है ये मेरे में और शंकराचार्य का कहना तो सही ही लगता है और ये भी सही है कि हजारों साधु जो है इसकी प्रशंसा कर रहे हैं वहां जाने को तैयार बैठे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं और भक्त भी ऐसे हैं जो उसे पसंद कर रहे हैं और जाने के लिए उत्सुक है तो वापस हम आते हैं आपके लिखे किताब पर ग्रंथ पर वाल्मीकि रामायण पर तो जब वाल्मीकि रामायण की बात आती है तो वहाँ पे सारे द्वंद जो हैं जो बाकी रामायणों में है वो क्लियर हो जाता है कि कैसे सीता का हरण होता है कैसे लवकुश का जन्म होता है और कैसे सीता एक सबला नारी से बदलते परिवेश में एक अबला नारी बनकर रह जाती है और आज के समय में समाज का एक सिस्टम बन जाता है कि पतिव्रता नारी बने तो सीता जैसी और वहीं पर आपकी किताब कहती है कि सीता अबला कभी हुई ही नहीं वो पतिव्रता जो है वो अपने स्वाभिमान के साथ रही इसके बारे में हम आप बिल्कुल आपने ठीक कहा पतिव्रता थी पर उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था ये भी बिल्कुल सत्य है आ, इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी होती है आलोचना भी राम की की जाती है कि उन्होंने जिस सीता ने सुकुमारी सीता ने राजकन्या ने और राज परिवार की पहली बहू जिसके जिसको कौशल्या अपने पलकों पे बैठा के रखती थी सब उसके जाने पे रोए थे दशरथ बोलते थे कि कम से कम सीता रुक जाएगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे अयोध्या वासी भी यही कहते थे पर वो गई राम का उसने साथ दिया कदम कदम पे और एक श्रेष्ठ पत्नी के समान पतिव्रता पत्नी के समान वो लगातार उनके साथ लगी रही फिर प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों राम ने उसका त्याग किया क्यों अग्नि परीक्षा ली ये उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है जरूर मिलता है कि राम ने सीता का परित्याग किया वो धोबी के कहने वाली बात तो नहीं है न वाल्मीकि रामायण में है न रामचरित मानस में है ये जरूर है कि जब लोग लौट के आते हैं और बहुत बहुत खुशनुमा जिंदगी राम और सीता बिताने लगते हैं उस समय राम पूछते हैं कि मेरे बारे में अयोध्या के लोग क्या क्या कहते हैं तो वो कहता है कि आपकी बहुत तारीफ करते हैं तो राम कहते हैं नहीं नहीं मेरी प्रशंसा मत बताओ है ना ये बताओ कि मुझ में क्या कोई बुराई देखते हैं तब बड़े संकोच से उनका मंत्री बताता है कि आपके बारे में ये अफवाह लोग करते हैं कि राम ने सीता का आ, सीता को अपना लिया जो रावण के घर में रहते थे उन्हें कैसे अच्छा लगता होगा सीता के साथ रहना तो उनको बड़ा मतलब बड़े वो ये हो जाते उनकी आ जाते हैं और फिर वो लक्ष्मण को बुलाकर कहते हैं कि ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं और तुम सुबह ले जा सीता को छोड़ाओ जंगल जबकि वो गर्भवती थी तो बड़ी खुशी थी तो लक्ष्मण रोने लग जाते हैं भरत भी रोते हैं शत्रुघ्न भी रोते हैं कि नहीं ऐसा मत करिए करके पर राम कहते कि नहीं मुझे जनता को देखना प्रश्न ये उठता है कि सीता भी जनता थी उनकी उसमें वो भी आती थी वो भी एक नागरिक थी उनका पक्ष नहीं रखा गया नहीं। ये कैसा अन्याय है हर कोई इस बात को सोचता है तो मैंने जहाँ तक पढ़ा अन्य र... कई ऐसी रामायण है जैसे दक्षिण की भी रामायण है कम्ब रामायण बड़ी प्रसिद्ध है तेलुगु भाषा में लिखी हुई उसमें भी नहीं है सीता का त्याग एक मौल रामायण है वो महिला ने लिखा है नाम की उसमें भी नहीं है कई ऐसी रामायण हैं जिसमें सीता का परित्याग नहीं है तो वाल्मीकि राम और यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तुलसी की रामचरितमानस उसमें भी सीता का परित्याग नहीं है इसे इसे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इसमें सीता का परित्याग नहीं बल्कि यहाँ ये कहा गया है कि दोनों बच्चे उनके और साकेत साकेत अयोध्या का एक नाम है तो वहां पे पैदा हुए थे तो ये बात चली कैसे प्रश्न ये उठता है कि वाल्मीकि रामायण में क्या ये नहीं है तो दूसरी ओर हम कहेंगे कि हाँ जो आज हमें गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण मिलती है जो आज अगर हम पढ़ना चाहे तो उसमें है पर वो उत्तरकांड में है और अधिकांश विद्वानों का कहना है कि उत्तरकांड जो है ये प्रक्षिप्त है प्रक्षिप्त माने बाद में जोड़ा गया अंश है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है वाल्मीकि ऐसा लिख ही नहीं सकते थे क्यों क्योंकि जो राम अहिल्या को सौंपते हैं भरत मुनि को है ना अहिल्या इंद्र के साथ में इसके संबंध हुए थे फिर भी वो जो है आ, आ, बोलते हैं कि आप पति व्रता हो आप जाओ और खुद लेके जाते हैं गौतम मुनि को सौंपते तो जो राम ये करते वो कैसे राम जो है वो सीता का परित्याग करवा सकते थे सुग्रीव की पत्नी जो थी रोमा शायद उसका नाम था तो उसको बाली ने रख लिया था सुग्रीव को भगा के पर राम ने फिर उसको सुग्रीव को सौंपा कि नहीं ये तुम्हारी मुख्य रानी रहेगी जी है ना तो राम कैसे सीता का परित्याग कर सकते थे तो उसका उत्तर मुझे ये लगता है कुछ एक तो ये कि वो प्रक्षिप्त अंश है बाद में जोड़ा गया अंश है तो ये बाद में क्यों जोड़ा गया प्रश्न उठता है कि बाद में क्यों जोड़ा गया कुछ लोगों का कहना है जैसे राम कुमार वर्मा शायद उन्होंने लिखा है कि कुछ जो राम कथा से जलते थे रामायण से जलते थे उन्होंने इसको जोड़ दिया ठीक है मान लो बाद में उन्होंने जोड़ा जो राम कथा से जलते थे जैन बौद्ध लोगों से नहीं पढ़ती थी पर फिर आपने क्यों उसको रहने दिया कई रामायणों में और पूरे भारत में सब जगह ये क्यों फैली बात कि राम ने सीता का परित्याग कर दिया था तो ये भी एक प्रश्न उठता है कि क्यों आखिर ऐसा हुआ होगा तो इसके उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि ये हमारे देश की एक, एक शुरू से ही भावना रही है कि महिलाओं को दबा के रखा जाए थोड़ा सा दबी रहे उनका चरित्र उच्च रहे पतिव्रता का अर्थ ये है कि भाई आप किसी दूसरे पुरुष को देखो भी मत। है ना उसके संग गई तो वो पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगी और आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो गला काट लेते हैं अपनी पत्नी का अगर उन्हें थोड़ा भी संदेह होता, होता है कि ये दूसरे के संग रही है यहाँ तक अपने बच्चों को मार डालते हैं कि पता नहीं उसके बच्चे हैं क्या कर तो ये एक ये है कि खुद भले वो सत्रह तरह के कुकर्म करेगा पुरुष पर नारी के लिए सोचेगा कि वो मेरी पत्नी बिल्कुल पवित्र बने रहे तो कुछ इस कारण भी ये कहा गया कि सीता को अगर हम इस रूप में प्रस्तुत करेंगे कि राम बड़े न्यायी थे जिन्होंने एक सामान्य प्रजा के कहने से उसको त्याग दिया तो ये मुझे लगता है कि ना लॉजिकल है ना इथिकल है दोनों ही दृष्टिकोण से ये विचार गलत है इस पर बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया अग्नि परीक्षा पे भी देखी महाभारत में चार स्थानों पर कथा का उल्लेख है चार जगह चारों जगह में से कहीं भी अग्नि परीक्षा का उल्लेख नहीं है कि सीता को अग्नि परीक्षा दे एक जगह जरूर राम उसको बोलते हैं कि तुम परीक्षा दो करके पर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है अग्नि परीक्षा हो चाहे ये हो और बड़े सुंदर ढंग से अगर जहाँ उल्लेख भी हुआ है तो लक्ष्मण कहते हैं बाकी रामायण में कि लक्ष्मण चीता सजाते हैं तुलसीदास तो के रामायण में कि जब राम बोलते हैं तो लक्ष्मण बहुत गुस्से में देखते हैं उनकी उर, और चीता सजाते हैं कि राम की आज्ञा है पर आ, कुछ रामायणों में ऐसा उल्लेख है कि लक्ष्मण रोने लगते हैं और कहते हैं ठीक है, है चिता सजेगी और पहले मैं उसमें प्रवेश करूंगा अगर मैं बच गया तो समझ लेना कि सीता पवित्र है हनुमान आगे आ जाते हैं कि मैं जाऊंगा पहले सबके सब वानर किसी सीता को मत भेज तो कहने का मतलब ये भी एक सुंदर ढंग है बताने का अग्नि परीक्षा का कि लोग इतने फिर उनके पिता आते हैं दशरथ और वो कहते हैं कि पवित्र है तब राम कहते हैं कि मैं तो खाली लोगों को ये कहने के लिए कि मैंने रख लिया रावण के इसलिए मैं अग्नि परीक्षा लिया तो अलग अलग ढंग से सुंदर ढंग से भी इसे प्रस्तुत किया है और जो पर आम जनता में जो इसका प्रभाव पड़ा मुझे लगता है वो प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा जी तो यहाँ पर फिर एक प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदुस्तान में एक ही राम है पर उस राम का स्वरूप सब जगह अलग अलग है एक ही सीता है पर सब अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं एक ही अयोध्या नगरी है राम वन पथ गमन भी एक ही होगा हम्म लेकिन सब अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं सबके क्षेत्रीय रामायण अलग है इसकी हाँ। क्या वजह मानते हैं इसकी वजह यह है कि राम के प्रति प्रेम बहुत रहा तो हमारे यहाँ के बोलते अब जैसे अपने यहाँ शबरी नारायण है ना वहाँ कहते शबरी ने वहीं पे राम को बेर खिलाए बेर खिलाए जबकि नासिक में भी है शबरी का है ना तो और भी जगह है तो जगह 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 राम सीता बेंगरा है यहाँ पे अंबिकापुर में जहाँ राम ने विश्राम किया था दंडकार है और मजे की बात यह है कि मैं कुछ समय पहले श्रीलंका गई थी नहीं। तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं वहाँ के इतिहास को देखूं और जानूं कि वहाँ पे क्या सोचते हैं लोग रावण क्या वहाँ का राजा था पर मुझे कहीं भी किसी ने भी नहीं कहा कि राम रावण यहाँ का राजा था अच्छा वो नहीं मानते वो नहीं मानते कि रावण यहाँ का राजा था वहाँ एक बड़ा भारी एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे मेरी हिम्मत नहीं हुई चढ़ने की कई सीढ़ियाँ थी वहां पे सिगारिया या ऐसी कुछ नाम है उसे उन लोग कहते हैं कि ये रावण का महल था बहुत ऊंची पहाड़ी में बना हुआ पर वहाँ के इतिहास में उस महल का निर्माण शायद छठवीं या सातवीं शताब्दी में वहाँ के किसी राजा ने कराया था मैंने वहां की किताबों में भी देखा हिस्ट्री की यहाँ भी हिस्ट्री की किताब में देखा था पर कहीं मुझे रावण हिस्ट्री में वहां का राजा था श्रीलंका का श्रीलंका श्रीलंका वर्तमान उस समय की लंका रही होगी ऐसी संभावनाएं कम है कम है नहीं कह सकते क्योंकि उन लोग नहीं मानते और राम सेतु का जहाँ तक वर्णन है कि भाई राम सेतु दिखता है तो वो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक बना हुआ है तो हम उसे राम सेतु कहते वर्षो से परंपरा में उसे हम मान रहे हैं और मजे की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में इसे नल सेतु का राम सेतु का कहीं उल्लेख नहीं अच्छा क्योंकि नल ने बनाया था रामसेतु रामचरित मानस में नल और नील है जो इंजीनियर है विश्वकर्मा के हाँ। पुत्र है जिन्होंने बनाया था हाँ। वाल्मीकि रामायण में केवल नल है और वो उसे बनाते हैं तो ये अंतर है पर उसका उल्लेख राम सेतु के रूप में बाद में होता है नल सेतु नील सेतु विश्वकर्मा के पुत्रों ने राम सेतु का निर्माण किया है हमारा राम सेतु और वाल्मीकि रामायण का नल नील सेतु कह सकते हैं अपन लेकिन उसमें भी श्रीलंका के हमारे लंका होने का कोई प्रतीक कोई प्रमाण नहीं है हाँ मुझे नहीं मिला लेकिन कुछ लोग उस दूरी को जो दूरी हाँ, रामायण हाँ, में रेखांकित की गई है हिंदुस्तान हाँ, से किसी टापू की किसी द्वीप हाँ, की वो लगभग उतनी ही है जितनी यहाँ से श्रीलंका की है हाँ, तो क्या इसी हिसाब से अभी तक के अः आर्कोलॉजिस्ट कह लें या जो हमारे इतिहासकार कह लें ये उसी हिसाब से मानकर चलते हैं क्या कुछ कारण हो सकता है इसके पीछे कारण तो मैं नहीं कह सकती कि क्यों आ, उसको कहते हैं पर मुझे एक रामायण मिली वहां पे वहाँ की सिंगली भाषा में अच्छा। जिसको मुझे मैंने खरीद के लाया उसे पर कोई भी पढ़ने वाला सिंगली भाषा मुझे नहीं मिला जिससे मैं अनुवाद करवा सकूं। दूसरी बात वहाँ पे कुछ सीता की वाटिका है अशोक वन जहाँ वो रहती थी वो बने हुए हैं और कुछ और विभीषण का महल है और दो चार और है पर वो सब के सब जो है वो आधुनिक है मतलब सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी के या और भी बात के अभी अभी लोग बहुत जाने मतलब वहां पे जाके वहाँ हिंदी समझने भी वाले हैं तो बहुत से लोग वहाँ लोग जाके वहां पे प्रवचन करते हैं उन्होंने ही उसे बनाया है बाकी प्राचीन कोई वहां पे नहीं दिखा जिसे एक बड़े भारी पुरुष का एक वो है पत्थर का उसको कहते रावण का वो है शव है तो उसको भी ऐसा वहां के लोग नहीं मानते इतिहासकार वहां के तो चलते चलते इस कार्यक्रम में एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान में लोगों ने बहुत प्रेम किया राम के चरित्र को जो रामायण में लिखा हुआ है भगवान राम की दर्जा मिला है उनको सभी भगवान की तरह पूछते हैं उनके नाम पे तीस त्योहार है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए तो वो भाचा राम है तो ऐसे में कितना जरूरी लगता है कि हर क्षेत्र में अपने अपने रामायण है उसके बाद भी उस रामायण का एक ही कंक्लूजन निकला है कि रामायण जो पूरी कथा है पूरा जो उसका निचोड़ आता है वो त्याग पर है लेकिन आज हम फॉलो करते हैं उस रामायण को पढ़ने में पर त्याग में नहीं बिल्कुल एकदम सही आपने मर्म को छुआ है जो भी समझदार व्यक्ति होगा थोड़ा सा भी इंटेडिव ये बात को जरूर सोचेगा कि क्यों ऐसा नहीं हुआ है राम को प्रेम करने वाले इतने लोग इतने लोग सभी बोलेंगे हम हाँ, हाँ, राम भक्त है ना तिलक लगाएंगे और सब कुछ करेंगे अभी तो अक्षत बाटे जा रहे हैं पर राम राज्य हो या राम के प्रति प्रेम हो ये तो कहीं नहीं दिखता कहीं राम राज्य की झलक नहीं दिखती राम राज्य उससे नहीं आएगा कि जगह जगह राम के मंदिर बन जाए सैकड़ों राम राज्य की कल्पना में यह है कि भाई सभी लोग सुखी है सभी स्त्री पुरुष सुखी है और बढ़िया बात यह है कि राम ने एक सीता से विवाह किया, एक पत्नी व्रत उनका था और चारों भाइयों का था चारों भाई जो थे उन्होंने दूसरी शादियां नहीं हालांकि जैन रामायण में बहुत सारी बताई गई है उनकी पत्नियां राम की भी लक्ष्मण की भी तो वो अलग बात है पर एक हम लोग के मन में हिंदुओं के मन में ये रहा है कि राम और एक पत्नी व्रती थे तुलसी की रामायण में तो ये भी है कि वहाँ जितने आबादी थी वहाँ के पुरुष थे जितने वो सब की सब एक पत्नी व्रती थे मतलब सबकी सब शुचिता का पालन करते थे पर हमने कहा देखा है ऐसा हिंदुओं में हम देखते हैं अभी तक के कोई ये नहीं था कितनी भी शादी कर सकते थे ये तो बहुत बाद में रूल बना है कि एक ही शादी कर सकते हैं करके तो कहने का मतलब ये कि राम के चरित्र को अपनाना बहुत कठिन है त्याग भी बहुत कठिन है चौदह साल के लिए जिसने इतने बड़े साम्राज्य को त्याग दिया है ना वैसा बेटा तो नहीं मिलेगा यहाँ तो छोटी छोटी बात में भाई भाई के बीच में छोटी छोटी जमीन के लिए युद्ध हो जाते हैं हर जगह ये है हमारे देश में हम विदेशों में ना जाए कि वहाँ क्या हो रहा है ना हम अपने ही देश में देखे तो कहीं और राजाओं में भी राम का चरित्र नहीं रहा स्वयं दशरथ की साढ़े तीन सौ रानिया थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार साढ़े तीन सौ रामायण थी कहीं कहीं सात सौ रामायण रानिया बताई गई है उसकी सात हजार रानियां भी बताई गई है कहीं कहीं तो ये तो राजाओं का सभी जगह था सभी जगह था पर राम ने वो हाँ, तो इस इस इस... का पालन किया एक पत्नी का। अच्छा, जब हम पूरे के पर बात करते हैं तो मुझे एक इंसिडेंट आपकी ही किताब का थोड़ा याद आ रहा है कि सबसे ज्यादा अगर त्याग हम माने इस पूरे रामायण में तो किसका त्याग सबसे बड़ा था त्याग की बात कहेंगे हम तो राम का तो है ही हम भरत के त्याग को भी कम नहीं कह सकते जी भरत का चरित्र इतना खूबसूरत है इतना अच्छा है कि संसार में मिलना मुश्किल है यानी भरत ही ऐसे हैं जो कि इतना सामने साम्राज्य फैला हुआ है और जाके वो कहाँ रह रहे हैं नंदीग्राम में कुटी बना के चौदह साल तक और इतना सुंदर वर्णन वाल्मीकि ने और दूसरों ने किया है जब राम आते आने की उनकी खबर हनुमान लेके आते हैं तो वो बार बार उससे पूछते हैं तुम वानर हो, वानर हो तो तो है अगर राम ये साल भी जाएंगे, इस घड़ी में नहीं आए तो मैं इसमें कूद जाऊंगा इतना ज्यादा उनके मन में यह है हुँ. राम पहले हनुमान को भेजते हैं कि हुँ. तुम जाके बता दो कि मैं आ रहा हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता और वो इतना इतना रोते हैं राम को मनाने के लिए शायद ही किसी ने इतना किया होगा और लक्ष्मण को देखें हम तो लक्ष्मण का चरित्र भी कम नहीं है है ना उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ के उर्मिला को छोड़ के वो साथ में रहे जबकि उर्मिला का उल्लेख ही नहीं हुआ है करीब करीब वो बिचारी अनछुई रह गई साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने जरूर उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है बाकी और सीता का भी कम नहीं है तो देखा जाए तो ये ये पूरा चरित्र ऐसे हैं इनमें कि सब त्याग की मूर्ति सुमित्रा का सुमित्रा का भी देखा जाए तो उसने अपने एक पुत्र को राम के अनुयायी बना दिया और एक को भरत का अनुयायी बना दिया बोल दिया शुरू से और बोला कि वहां जाके तुम ये तुम्हारे पिता है ये तुम बहुत सुंदर चरित्र है सुमित्रा का सुमित्रा माने सबके मित्र तो यहाँ पर चलते चलते अब एक आखिरी प्रश्न इस पूरे चर्चा का कि जब हम राम के चरित्र की बात करते हैं तो आखिरी जो मन में संशय रहता है कि राम का परलोक गमन बहुत कम लोगों को ध्यान आ पाता है और बहुत कम लोग वहां तक पढ़ पाते हैं तो उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि कैसा था वो दृश्य जब भगवान राम जो है वो इस शरीर को छोड़कर परलोक की तरफ गए थे क्या था वो पूरा किसा? वो भी बड़ा समझे थोड़ा सा रुलाने वाला है पैथेटिक जिसे हम कहेंगे कि राम जो है अपने महल में थे तो ब्रह्मा जो है सोचते हैं कि अब राम का समय ग्यारह हजार साल हो चुके थे उनको राज्य करते हुए अब उनका पृथ्वी लोक पर काम समाप्त हो गया है अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए करके तो वो काल देव को भेजते हैं कि तुम जाके राम को बोलो कि मैंने बुलाया काल आते हैं तो उनको बाद में उनको राम राम के पास जाने के लिए आते हैं तो राम से मिलते हैं तो वो कहते हैं मैं मैं अकेले आपसे बात करूंगा कोई भी हमारी वार्ता को ना सुने ऐसा कहा कि राम जो है अपने महल को दरवाजा बंद करवा देते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम बाहर खड़े रहना और किसी को भी भीतर नहीं आने देना यदि मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मतलब मैं तुम्हारा भाई नहीं रहा हम्म इस तरह बोलते हैं वो तो या मेरा ख्याल है वो ये कहते हैं कि उसे उसे मृत्यु दंड मिलेगा ये है कहीं कहीं भाई नहीं रहा है वाल्मीकि रामायण में मृत्यु दंड वाली बात है तो काल बताते हैं उनको ऐसा ऐसा है और आपको आना है करके उसी समय बाई चांस मुनि जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि वो बड़े जल्दी हो जाते थे महाभारत में भी उल्लेख है और रामायण में भी उल्लेख है वो आते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी राम से मिलना है तो लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं आपकी सेवा करता हूँ बताइए क्या सेवा करूँ तो कहते नहीं मुझे भोजन करना है मैं उन्हीं के साथ अभी इसी क्षण भोजन करना चाहता हूँ तो लक्ष्मण कहते हैं कि अभी मिलना तो बहुत कठिन है नहीं मिल सकते हैं राम ने मुझे कह, कह रखा है तो दुर्वासा कहते मैं भी दे दूंगा। <laughs> <laughs> पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा जानते हो ना मेरा नाम दुर्वासा है तो लक्ष्मण बेचारे बड़े परेशानी में पड़ जाते हैं और वो राम के पास चले जाते राम उस समय कुछ नहीं कहते फिर दुर्वासा आते हैं उनका पैर धोते हैं उनको भोजन कराते हैं सब कुछ हो जाता है उसके बाद वो दरबार लगाते हैं और ये बात कहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने कालदेव को वचन दिया था कि अगर जो भी आएगा यदि लक्ष्मण आने देंगे हुँ. तो उनको मृत्यु का मृत्युदंड मिलेगा करके तो और रोने लगते हैं राम क्योंकि लक्ष्मण को छोड़ नहीं सकते थे हुँ. तो लक्ष्मण बोलते हैं कोई बात नहीं मेरे को आप अः मृत्युदंड दे दीजिए मैं खुशी खुशी तैयार हूँ उसके लिए तो अनेक अनेक रामायणों में इसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है कि दोनों भाई किस तरह आपस में मिल के रोते हैं और सारी प्रजा रोने लगती है कि अब क्या किया जाए तो फिर उनके जो वशिष्ठ गुरु रहते हैं वो कहते हैं कि एक तरीका ये है कि आप इनका त्याग कर दीजिए त्याग किसी अपने प्रिय का त्याग करना हमेशा के लिए उस उसके उस, उसे मृत्यु देना ही है है ना लक्ष्मण भी आपके बिना नहीं रह सकते आप भी लक्ष्मण के बिना तो वो मृत्यु के समान ही आप दोनों का जीवन हो जाएगा तो आप इनका त्याग कर दीजिए तो लक्ष्मण उसी समय उसी समय बोलते हैं कि मेरे मतलब वस्त्र बदलते हैं बलकर वस्त्र और मिलने भी नहीं जाते किसी से आज्ञा भी नहीं देते न माँ से मिलते हैं न किसी से मिलते हैं और शरीर किनारे चले जाते हैं तो इनके जा और वहाँ पर वो बैठ के ब्रह्मलीन होते हैं मतलब उसके द्वारा अपनी सांस रोक कर बहुत अपने हाथ पे तो ये कॉमन रहा है प्राण त्याग करने का तरीका तो फिर पर से रहा नहीं जाता है ना राम कहते हैं लक्ष्मण के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग करूंगा शरयू नदी में डुबकी लगा के जाऊंगा शरीर के किनारे जब वो जाने लगते हैं तो भरत बोलते हैं, मेरे को छोड़ के आप कैसे जाओगे है ना इतने साल तो मैं आपके बिना रह गया चौदह साल मैंने बिताया आपके बिना आप मत बोलिए कि मैं आपके संग नहीं चल सकता अब तो मैं आपके पीछे पीछे जरूर आऊंगा करके अब शत्रुघ्न वहां थे नहीं वो मथुरा में थे वहां पे कुछ युद्ध हो रहा था तो वहाँ उनको जैसी खबर मिलती वो भी दौड़ते भागते आते हैं हैं और कहते हैं कि मुझे क्यों छोड़ रहे भाई मुझे छोटा समझ के आप लोगों ने पहले राज्य का भार दिया और अब जाने के लिए मना कर रहे हो अपने संग में मेरे संग इतना अन्याय मत करो राम कर तो फिर वो भी पीछे आते हैं फिर ऐसा करते करते पूरे लोग एक के बाद एक के बाद फिर विभीषण को खबर मिलती है सुग्रीव को खबर मिलती है अंगद को खबर मिलती है हनुमान को खबर मिलती है सबके सब, सब दौड़े भागे आते हैं तो राम जो है विभीषण और हनुमान को मना करते हैं कि आप जो है अपना ये करो और इसीलिए कहा जाता है ना विभीषण भी भी और हनुमान जो है वो हमेशा जीवित है करके तो इस तरह आ, 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 राम जो है जाते हैं पूरे लोग जाते हैं और सबकी सब, सब जाके शरीरों में जाते हैं तो इस तरह उनकी जल समाधि इसको जल समाधि कहते हैं और किसी इसमें तो एक और रामायण में वो जाके लक्ष्मण को बैठा हुआ देखते हैं तपस्या तो करते हुए तो दौड़ के जाके उसके गले मिलते हा लक्ष्मण मैंने तुझे पा लिया पर तो वो तो प्राण निकल चुके थे तो उसके बाद फिर अयोध्या का क्या होता है उसके बाद अयोध्या का ये हुआ कि राम ने उनके जो बेटे थे दो लव और कुश और चारों भाइयों के दो दो बेटे थे चारों भाइयों के दो दो बेटे थे तो सबको अलग अलग जगह का उन्होंने राजा नियुक्त किया चारों भाइयों के बेटे को लव को जो है वो दोनों जुड़वा थे अयोध्या दी गई और कुश को कुशावती करके तो बाद में जो है अयोध्या चूंकि श्री विहीन हो चुकी थी नहीं। श्री नहीं थी वहां पे राम के जाने के बाद में सभी चले गए थे तो श्रावस्ती में उन्होंने नई राजधानी बनाई फिर उनके और आगे वंशजों का क्या हुआ इस विषय में रघुवंशम में मिलता है कालिदास के रघुवंशम में कुछ उल्लेख मिलता है राजाओं का उल्लेख मिलता है पर उनमें से कोई बहुत नामी राजा हुआ हो नहीं। ऐसा नहीं दिखता राम के प्रताप के आगे कौन ही कहा टिक पाया है? सही बात सही असली बात तो ये राम जैसा राजा हाँ। दुनिया में न हुआ है न होगा और इसी तरह रामायण के जैसी किताब ग्रंथ महाकाव्य न लिखा गया है न लिखा जाएगा कभी है ना ब्रह्मा ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां रहेंगी, नदियां बहती रहेगी पहाड़ अच्छा तब तक, तक ये रामायण अमर बनी रहेगी इसे इसे पढ़ना एक विदेशी विद्वान ने लिखा है बहुत सुंदर उक्ति कि इसे पढ़ना अगर आप जीवन निराश हो चुके हो चिंतित हो चुके हो थक चुके हो तो एक घुट पी लीजिए इसके प्याले की आपको अपने आप स्फूर्ति आ जाएगी तो बिल्कुल ये पूरी तमाम जो चर्चा है ये राम पर रही राम के राम के लिए लिखे या राम के जीवन पर लिखे काव्य ग्रंथ पर रही हमारे साथ अभी तक डॉक्टर शोभा निगम थी जो जिन्होंने शोधार्थी के तौर पर पूरा शोध किया फिर उन्होंने अपनी किताब लिखी रामायण पर मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया और इतने खूबसूरत विचार रामायण को लेकर हमारे सामने रखे तो इस अंक में इतना ही रामलला तो विराजमान हो ही रहे हैं साथ में देश की जनता जो है वो रामलला के साथ साथ एक बार अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ ले तो शायद स्थितियां थोड़ी और स्पष्ट हो सके आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया